Academy, India's top coaching institution for civil services preparation. Join us online to get most enriching experience from best faculty with excellent notes and specially designed courses. To join the batch, download Nandi Pius Academy app from Google Play Store. For more information, contact 9511-280-465. Hello friends, welcome you all to daily answer writing challenge session of Jnandeep IAS Academy. Today we are going to discuss two important questions for 22nd of March 2021. So, this series we are Hindi and English dono mein lene wale hain. So, aaj shuru karte hain. Aaj ka pehla sawal hai. Recent reports have highlighted the poor achievement of India on the front of freedom in the society. In this context, discuss the issue giving rise to such assessment and the measures needed to prevent our democracy from turning into authoritarianism. अभी सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखिए कि इस प्रकार का सवाल यूपीएससी कभी भी नहीं पूछेगा. यस, ये ट्रू है कि क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा क्या होता है कि यहाँ पे सीधा सीधा गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हो रहा है. And somewhere media is saying that slowly and slyly we are moving towards authoritarianism. अगर इस प्रकार का सवाल UPSC ने पूछ भी लिया तो ये हो सकता है कि उसके सभी के सभी मेम्बरान का ट्रांसफ़र हो जाएगा. सो इट इज़ पॉसिबल. सो बेसिकली ये ध्यान में रखिए कि यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि इस प्रकार का कोई भी सवाल UPSC पूछेगी नहीं. फिर भी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन. अगर ऐसा पूछ भी लिया गया तो किस प्रकार का आंसर हमारा होना चाहिए. सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है कि ये जो सवाल बना है ये रिपोर्ट्स के आधार पे बना है, रिसेंट रिपोर्ट. सो दिस इज द बेसिक पॉइंट और दिस इज द बेसिक लोकस ऑफ द क्वेश्चन. रिसेंट रिपोर्ट हैव हाईलाइटेड द पुअर अचीवमेंट ऑफ इंडिया ऑन द फ्रंट ऑफ फ्रीडम इन द सोसाइटी. अभी आपको जब आप आंसर स्टार्ट करोगे तो मैंने आगे दिया है आपको फ्रीडम इन द सोसाइटी, इस बात पर भी ध्यान देना है. इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस द इश्यूज गिविंग राइज टू सच असेसमेंट. मतलब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें, कौन सी बातें ऐसी है उस वजह से ये रिपोर्ट में ऐसा प्रतीत होता है कि इंडिया इज़ मूविंग टूवर्ड्स अथॉरिटेरियनिज्म एंड इन इंडिया वी डू नॉट हैव फ्रीडम इन द सोसाइटी. मतलब ऐसी कौन सी घटनाएँ हैं, ऐसे क्या बातें हुई है, ऐसा कोई लॉ आया है या क्या हुआ है कि जिस वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारत में फ्रीडम नहीं है और दैट्स व्हाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स अथॉरिटेरियनिज्म. ये हमको देखना है. और दूसरा पार्ट क्या है कि मेजर्स नीडेड टू प्रिवेंट आवर डेमोक्रेसी फ्रॉम टर्निंग इनटू अथॉरिटेरियनिज्म. सो सीधा सीधा तीन पार्ट में इसका आंसर चला जाएगा. सबसे पहला चला जाएगा कि इंट्रोडक्शन में कि कौन से रिपोर्ट में हमारा नाम आया है और कौन से इंडेक्सेस में हमारा रैंकिंग नीचे चला गया है, हमारा रैंकिंग का स्तर नीचे चला गया है. वो सब रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस को आपको इंट्रोडक्शन में देना है. और ये रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस का जो मोटो है वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम इन सोसाइटी, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है. व्हाट बेसिकली मीन्ट बाय फ्रीडम इन सोसाइटी इन दिस रिपोर्ट्स, ये आपको फर्स्ट पैराग्राफ में दिखाना है. मतलब नेम ऑफ द रिपोर्ट्स, नेम ऑफ द इंडेक्सेस एंड व्हाट इज द कंसर्न अबाउट फ्रीडम इन सोसाइटी, ये आपको पहले इंट्रोडक्शन में देना है. उसके बाद अभी उन्होंने क्या पूछा है कि कौन सी ऐसी घटनाएं घटी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हुई है जिस वजह से ऐसा लग रहा है कि वी डू नॉट हैव फ्रीडम इन द सोसाइटी. तो यहाँ पे आपको जो करंट इवेंट आप पढ़ते हो उसको एनालिसिस करना है. लाइक वेयर इट इज़ विजिबल, सो यू हैव टू टॉक अबाउट मीडिया, यू हैव टू टॉक अबाउट इलेक्शन, इट्स mismanagement, use of money power, muscle power, then toppling of the democratically elected government, horse trading in the elections of the MLAs, use of money, ये आपको लिखना है. फिर बाद में misuse of social media, ये भी आपको दिखाना है. use of government machinery, ये भी आपको focus करना है. use of law enforcement agencies for own personal and petty gain, the kind of conflict between central government and state government, ये भी आपको focus करना है. और सबसे ज़रूरी चीज़ की जो बाकी की machineries है which are trying to have a kind of ruckus or which are trying to have a kind of fight or kind of conflict between center and state and between various political parties, ये भी आपको यहाँ पर focus करना. So ध्यान में रखिए ये सभी चीज़ें ऐसी है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर ये दिखाती है कि we do not have freedom in the society in India. So this is the first locus कि ये चीज़ें reflect करती है what is being asked in the question.
देन इसका सेकेंड पार्ट है हाउ और वॉट मेजर्स वी हैव टू टेकन. बेसिकली वी आर नॉट मूविंग टूवर्ड्स अथॉरिटेरियनिज्म. फिर भी अगर पूछा जाए तो हमें कौन सी मेजर्स लेनी है कि जिस वजह से हम अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ नहीं जाएंगे, ये हमको यहाँ पे बताना है. तो मेजर क्या होगा, फर्स्ट वी हैव टू वर्क ऑन लीगल फ्रेमवर्क, देन सेकेंड वी हैव टू वर्क ऑन इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, पंक्चुअलिटी ऑफ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, दैट इज जुडिशरी. थर्ड वी हैव टू टॉक अबाउट फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, हाउ पार्लियामेंट इज वर्किंग, ऑन वॉट ऑल ग्राउंड्स दे आर वर्किंग. फोर्थली वी हैव टू टॉक अबाउट पीपल्स ओपिनियन. नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी इन पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग, इन जुडिशियल वर्किंग, इन एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, देन रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, देयर पोटेंशियल रोल इन मेंटेनिंग डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, एंड फाइनली द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मस्ट बी मेंशन. इफ यू वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स देन इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी विच हैव बीन इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन अ प्रॉपर मैनर. दिस इज द फोकस ऑफ द आंसर. ध्यान में रखिए, सवाल कितना भी जटिल हो, कितना भी डिफिकल्ट लगे, उसका आंसर उतना ही ईजी होता है. सबसे ज़रूरी चीज़ है कि यू शुड हैव दैट सबस्ट्रेट, कि जिसके आधार पे आप वो आंसर अच्छे से लिखना जानते हो. तो ये पहला सवाल हो गया. हम अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं. दूसरा सवाल है स्टेट जॉब कोटास, मतलब जो जॉब में कोटास स्टेट ने देना शुरू किया है फॉर लोकल्स इन प्राइवेट इंडस्ट्री. स्टेट जॉब कोटास आर अ सिम्टम ऑफ बिगर अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस. मतलब अभी जो कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस चल रहा है, कोरोना की वजह से, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से, इंडस्ट्रियलिस्ट का प्रॉफिट कम होने की वजह से, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से, सो ये जो भी एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में क्राइसिस चल रहा है, जिसको हम अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस कह रहे हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस जो है ये स्टेट के फेल्यूर की वजह से क्यों हुआ है, ये आपको बताना है. एनालाइज द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स मैंडेटिंग जॉब कोटास फॉर लोकल्स इन द प्राइवेट सेक्टर एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद. तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. इसमें आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में आपको देना है कि रिसेंट में कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में लोकल्स को, दैट इज सन्स ऑफ द सॉइल्स को रिजर्वेशन होगा और को बहुत सारे प्रोपोर्शन में रिजर्वेशन होगा, ये उन्होंने डिक्लेयर किया है. तो इसमें बेसिकली जो स्टेट्स रिसेंटली न्यूज़ में हैं उनका नाम है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड महाराष्ट्र इन दी लेटेस्ट बजट. नाउ द रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर इज अ काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस. इट मीन्स कहीं पे ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स है दे आर हाइडिंग देयर फेल्यूर्स इन द फॉर्म ऑफ गिविंग जॉब्स टू लोकल्स इन प्राइवेट सेक्टर. सो इट इज अ फेल्यूर ऑन द स्टेट टू कंट्रोल और टू कंटेन अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस एंड दे आर ट्राइंग टू हाइड इट इन द फॉर्म ऑफ जॉब कोटास और जॉब रिजर्वेशन टू द पीपल. सो यहाँ पे फेल्यूर फॉर प्रोवाइडिंग जनरल एम्प्लॉयमेंट, फेल्यूर फॉर प्रोवाइडिंग स्किल अपग्रेडेशन टू द पीपल, पुअर एम्प्लॉयबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, पुअर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फेल्यूर टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इन योर इकोनॉमी, फेल्यूर टू ब्रिज गैप्स अक्रॉस द सेक्टर, लाइक योर फेल्यूर टू ब्रिज गैप बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, फेल्यूर टू ब्रिंग मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फेल्यूर टू वर्क ऑन हाउ टू मेक और हाउ टू ब्रिंग ऑल द लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स इन वन नेट. ये ऑल चीज़ें ये आपको वर्कआउट करनी है, राइट. उसके बाद चैलेंजेस, अगर इस प्रकार का लोकल्स को प्राइवेट सेक्टर में कोटा दिया गया या रिजर्वेशन दिया गया तो इसकी वजह से क्या क्या चैलेंजेस उभर सकती है. पहली चैलेंज होगी दैट विल बी रीजनलिज्म. सेकेंड चैलेंज विल बी इट विल एंडेंजर नेशनल इंटीग्रेशन. थर्ड इट विल क्रिएट लिंग्विस्टिक इश्यूज. फोर्थ द क्वेश्चन ऑफ माइग्रेशन विल बी देयर एंड अटैक ऑन माइग्रेंट्स विल इंक्रीज. देयर विल बी अपोजिशन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एज देयर इज लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ एक्सपर्टीज, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन मेनी प्लेसेज एंड वेयर इफ दे आर फोर्स टू गिव रिक्रूटमेंट एंड ज्वाइनिंग टू लोकल्स विदाउट एनी स्किल, विदाउट एनी अपग्रेडेशन एंड प्रोफेशनलिज्म, इट विल अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ दैट इंडस्ट्री. लीगल हर्डल्स, देन पुअर कैपिटल फॉर्मेशन ऑन द पार्ट ऑफ फेलियर ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस फ्रॉम द इंडस्ट्री, पुअर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड स्किल विल टेक अ बैक सीट एंड पॉलिटिकल विल टेक अ फ्रंट सीट.
It means to get a job in a particular industry, you don't need any kind of skill set. You just need to be part from that industry. Then what about the people in the region when where there are no industries? Wo logon ne kahan jana hai? Unko kahan pe job milega? Or lastly, it will breed corruption. Political corruption, bureaucratic corruption will lead. So it will create all these challenges if quotas are being provided to the people. So that's all from my side. Thank you very much. Keep watching the videos. We'll be coming with more number of lectures every day to come. And all your suggestions are welcome. So thank you very much from my side. And we are going to continue from this series every day. Thank you. Have a good day. Nandip Academy, India's top coaching institution for civil services preparation. Join us online to get most enriching experience from best faculty with excellent notes and specially designed courses. To join the batch, download Nandip IAS Academy app from Google Play Store. For more information, contact 9511-280-465.